महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्य तुलसी तुम नमस्तुते। बोलिए श्री तुलसी सालीग्राम भगवान जी की जय। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज सावन माह शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण है। जिन भक्तों ने कल एकादशी का व्रत किया है वे आज एकादशी व्रत का पारण करेंगे तथा तुलसी माता की कथा महिमा को श्रवण करते हुए व्रत को पूर्ण करेंगे। कहा गया है कि जो मनुष्य तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल अपने शीश पर धारण करता है तो उसे गंगा स्नान और 10 गोदान करने का फल प्राप्त होता है तथा कलयुग में द्वादशी या प्रतिदिन रोपण और धारण कथा का श्रवण करने से सब पाप छूट जाते हैं। व्यक्ति को धन धान की प्राप्ति होती है तथा मोक्ष प्राप्त होता है। तो आज मैं सुना रही हूँ तुलसी माता की कथा महिमा। इसे सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण होता है, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से पूरा सुनिएगा। तुलसी माता की व्रत कथा। प्रत्येक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थीं और सभी महिलाएं कोई सोना मांगती, कोई चांदी मांगती, कोई अन्न, कोई धन, कोई अमर सुहाग मांगती। लेकिन एक बुढ़िया माई थी जो प्रतिदिन तुलसी को जल से सींचने जाती थी और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ में बास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस एकादशी के दिन कृष्ण जी का कंधा दे। प्रिय भक्तों, बुढ़िया माई की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लग गईं। तुलसी माता को यूँ सूखते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा, हे भगवान, अब मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती हैं कि हे भगवान, एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कंधा देने आऊंगा, तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। उसके कुछ ही दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उनकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोलने लगे, यह तो बड़ी संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है। तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया माई मर गई है और वह इतनी पापिनी थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ पा रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो। भगवान बुढ़िया माई के पास गए और उनके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झांझर ले, दाल भात का भोजन ले और कृष्ण जी का कंधा ले। प्रिय भक्तगणों, भगवान श्री कृष्ण के इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उन्हें ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया, हमें भी देना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तगणों, तुलसी माता के पंच कथाओं में से एक कथा समाप्त होती है। इस कथा श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की दूसरी कथा। किसी गांव में एक बहुत बड़ा परिवार रहता था। उस परिवार में एक ननद और भाभी रहा करती थी। ननद अभी कुआरी थी, वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह बात फूटी आंख नहीं सुहाती थी। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी,
तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। प्रिय भक्तों, यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। अब गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी और वह सोने के आभूषण में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। इस तरह वह लड़की विदा होकर अपने ससुराल चली गई। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी, वह अपनी लड़की से कहती, तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। अब लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया उसी कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी ही मिट्टी रह गई। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की खूब बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। प्रिय भक्तगणों, अब देखिए, वह भाभी अपने ननद से इतना जला करती थी कि वह उसके ससुराल जाने के बाद भी अपने घर नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा, मैं ही बहन से मिल आऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा कुछ उपहार ले जाने के लिए मांगा। भाभी ने गुस्से में थैले में जुआर भरकर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह बड़ी दुखी मन से चल दिया। वह सोचता है, भला बहन के घर कोई जुआर लेकर जाता है। अब बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने जुआर का थैला उलट दिया। तब उस गाय के मालिक ने कहा, अरे ये भाई, सोना चांदी और मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। अब भाई को उसने सारी बात बता दी। अब वह भाई सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी ही प्रसन्न हुई। उसके भाई के लाए गए उपहार के द्वारा उस बहन की बड़ी ही बड़ाई की गई। ससुराल के साथ साथ उसके मायके का भी यश बढ़ा। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस ननद की लाज रखी, वैसे सभी महिलाओं का लाज रखना, वैसे ही सभी भाई बंधुओं का मान सम्मान बना रहे। तो बोलिए तुलसी महारानी की जय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, इन पंच कथाओं में से अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की तीसरी कथा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा, यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला, ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा, लड़कियों की शादी कैसे करूंगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। यह व्यभिचार करके वह बहुत ही परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लगे हो। तो इस पर ब्राह्मण बोला, मैं मंदिर जाता हूँ, वहां पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊंगी। उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने 6 लड़कियां हैं, उस लड़की की भी अपने को शादी करनी होगी। तो इस पर ब्राह्मणी बोली, अरे ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियां की शादी करवा देंगे, वैसे ही 7वें भी लड़की का करवा देंगे। प्रिय भक्तों, अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण मैं आपके घर आऊंगी। तो ब्राह्मण बोला, हाँ चल बेटी चल। उसको वह घर लेकर आया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत ही आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की वारिस हो गई। जब ब्राह्मण 7ों कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि आप शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी से बोलना
कि वे बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। अब तुलसी महारानी की कृपा से उसके तो सब जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और सबसे छोटी बेटी के लिए वह सालीग्राम जी से कहकर आता है, सालीग्राम भगवान आप बारात लेकर आना। प्रिय भक्तगणों, तुलसी महारानी की कृपा से बाकी 6 बेटियों का धूमधाम से विवाह हुआ और फिर इसके पश्चात छोटी लड़की का विवाह श्री सालीग्राम भगवान से हुआ। तो बोलिए तुलसी सालीग्राम भगवान जी की जय, जय तुलसी माता। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं। एक बार माता रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। फिर माता रुक्मणी कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, कृपया आप इस कथा को सुनाना आरंभ कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को कथा सुनाने लगे। उन्होंने कहा, हे देवी, पूर्व काल की बात है, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक नदी के किनारे चंद्रभागा नाम का एक अत्यंत ही सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में सुशील नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति के लिए कुवाक्य कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र, परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त हो निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा फिरा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें करती। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर नगर में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम भाव से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसीलिए वह अत्यंत ही दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी, हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपने काम वासना को शांत करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक नरभक्षी बाघ निवास करता था। उस पापनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूट गए। वह भय से थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती इससे पहले ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। धरती पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे व्याघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है?
मुझे क्यों मार रहे हो? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम को खोज रही हूँ। तुम मुझे छोड़ दो, मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? उस स्त्री की बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए मनुष्य की भाषा में बोलने लगा, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापनी स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे व्याघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से व्याघ्र की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्री का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ कि किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण दिशा में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया करता था। मैंने उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किया, जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए मैंने उन वस्तुओं का दान ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल व्यतीत हो गए और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आँखें सूज गईं, मुँह के सारे दाँत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरे दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हम लोगों को ठगने लगे। झूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान किए देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक काला सर्प आया और उसने मेरे पैरों में डस लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी में ले गए। वहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ बोलकर धन लूटा है। विधि विधान से पूजा ना करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है, इसीलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। किए गए पापों को याद है और उन्हें याद करके कभी महात्मा, साधु पुरुष, सत्य स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी दुराचारिणी तथा उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुष के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे भक्षण कर लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापने स्त्री के प्राणों को लेकर यमपुरी चले गए। वहां उसे यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी है। इसने घोर पाप किए हैं, इसने व्यभिचार किया है, इसने अपने पति की कभी सेवा नहीं की, अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के संग भोग विलास किया है। उसके पापों को सुनकर यमराज ने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दिया। अनेक वर्षों तक उसे उस कुंड में पकाया गया, फिर उसे निकालकर दूसरे नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया और नरकों में डालने के बाद वह महापापिनी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर आकर चांडाल के रूप में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी, व्यभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। कुछ समय बाद
पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कुष्ठ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहने लगी। उसका अंग प्रत्यंग जलने लगा, उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करती हुई वह दिन बिताने लगी। फिर एक दिन किसी साधु महात्मा के कहने पर दैव योग से वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से काशी में गंगा स्नान करने चली गई। वहाँ पर वह एक आश्रम के पास निवास करने लगी। वहाँ उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहाँ पर तुलसी के पास दिया जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहाँ प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पास में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे कि हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पापी है, इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। फिर पार्षद कहने लगे, हे दूतो, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, यह नरक जाने की योग्य नहीं है। इसने संध्या काल में तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यम के दूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बैठा कर स्वर्गलोक ले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे रुक्मणी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीप जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यवती हो, वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम तुलसी देवेह च विघ्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात, जिसका अर्थ होता है, विष्णु प्रिय तुलसी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मुझे उच्च बुद्धि दो। हे वृंदा, आप मेरे मन को रोशन करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी कि वे मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गौ दान से मानव को जो फल प्राप्त होता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पी लेता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी पौधे का बड़ा महत्व है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु ने की थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से मनुष्य को घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व माता रुक्मणी को बताया। तो प्रिय भक्तगण, आप भी इस पुत्रदा एकादशी के दिन तथा हर दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहेगी। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली और उनमें अगाध भक्ति बढ़ाने वाली, यह दुर्लभ सुख समृद्धि देने वाली